Hello everyone, welcome to Atomic Traders, and my name is Harry Kaushal, and thank you so much for Moto Acoustic for purchasing understeer subwoofer from interfalcon.in. and so guys, main Atomic Trader bass tubes और car audio की manufacturing करते हैं, हम Delhi के अंदर place हैं, and Moto Acoustic ने हमारे से understeer subwoofer order किया है from our website. COD उन्होंने ऑर्डर करवाया था, एंड 500 रुपीज़ उन्होंने एडवांस पे किए थे ऑन आवर वेबसाइट. वेबसाइट नेम इज interfalcon.in, दैट इज INTERFALCON, interfalcon.in. सो साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ इसका रिव्यू बताओ कि कैसा लगा हमारे से परचेज करके प्रोडक्ट. थैंक यू. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आप सबको पता है कि मेरे पास एक डेटसन गो प्लस है, तो जिसमें मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक ट्विटर्स लगाए थे, उसमें उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था. अगर आपने मिस किया है तो आपको मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो गो प्लस की बात करें तो इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम्स थे ये मैंने सिर्फ हेड यूनिट आफ्टर मार्केट लगाए हैं, और फ्रंट के जो दो स्पीकर्स हैं वो स्टॉक स्पीकर्स हैं, और जो थर्ड रो में जो स्पीकर्स है वो आफ्टर मार्केट मैंने स्पीकर्स लगाए हैं. इसमें मिड रो जो है उसके लिए मैंने दो ट्विटर्स लगाए थे जैसे कि मैंने आपको बताया है. तो इसके बाद साउंड तो बोलूँगा इट इज़ ओके, लेकिन बेस का थोड़ा बहुत, मतलब बेस ज़्यादा नहीं आता है. तो उस दिन मैं सोच रहा था कि इसमें बेस के बारे में कुछ किया जाए, तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं, फिर अमेज़ॉन में भी मैंने सर्च किए थे कि जो अंडर सीट वूफर्स जो होते हैं, क्योंकि जो डेटसन गो प्लस है उसमें स्पेस का बहुत कमी है, क्योंकि थर्ड रो में वहाँ पे कुछ हम वूफर्स नहीं लगा सकते, ना ही हम बेस ट्यूब लगा सकते, क्योंकि वो स्पेस पूरा ऑक्यूपे हो जाएगा. तो इसी के चक्कर में मैं फिर खोज रहा था कि अंडर सीट वूफर्स कहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं. तो अमेज़ॉन में मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए थे, और मैंने फ्लिपकार्ट में भी देखा था. तो जो अंडरसीट वूफर्स है उसका जो स्टार्टिंग रेंज है इट वाज अराउंड समथिंग अराउंड 4600. वो जस्ट एक बेसिक सा था, और पायनियर्स तो दीज आर प्रीटी एक्सपेंसिव, जो 6500-7000 के नीचे नहीं मिलता है, वो भी एक्सक्लूडिंग द वायरिंग किट. ठीक है, तो फिर मैं इंस्टाग्राम में भी काफ़ी सारे रिसर्च किए, तो मुझे एक बंदा मिला दिल्ली का, उनका नाम है हैरी. तो वो क्या करते कि वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, सिर्फ अंडरसीट वूफर्स ही नहीं, वो स्पीकर्स भी बनाते हैं, फिर वूफर्स भी बनाते हैं, बेस ट्यूब भी बनाते हैं. तो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हो गया लकीली इंस्टाग्राम में, तो उनसे मैंने काफ़ी सारे बातें की. उन्होंने बताया कि उनका एक यूट्यूब चैनल भी है वो चेक करने के लिए, तो मैं एक्चुअली उनके चैनल में जाके एक वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है कि किसमें क्या स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस में कितना वाट से कितना RMS है. तो फाइनली मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया जो ये आप देख सकते हैं. तो हैरी भाई का जो प्रोडक्ट्स है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा. उनका एक खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके क्वेरी डाल सकते हैं, और अगर आपको डर लग रहा है कि आप पेमेंट अगर कर दें फिर डिलीवरी ना हो, तो हैरी भाई ने ये किया है कि उन्होंने COD रखा है, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है. तो ये मैंने ऑर्डर किया था अराउंड 4-5 दिन पहले, अभी आया ये 5 मिनट पहले. सो आई वॉज सो एक्साइटेड कि चलो इस पर वीडियो बना लेते हैं. तो प्राइस पॉइंट की बात करें इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी अफोर्डेबल, ओनली एंड ओनली 3800, दैट टू इंक्लूडिंग द वायरिंग किट. वायरिंग किट अगर आप बाहर से लेंगे कम से कम आपको एक स्टैंडर्ड चार्ज 600 रुपये का मिलेगा. तो 3800 प्राइस टैग पे अंडर सीट वूफर्स विद द वायरिंग किट इट इज़ एब्सोल्युटली, मतलब माइंड ब्लास्टिंग में बोलना चाहूँगा जो प्राइस टैग उन्होंने रखा है, और मैं उनको पूरी तरीके से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. मतलब मैंने हैरी भाई को भी बताया कि मैं उनके बारे में भी इस चैनल में बताऊँगा, सो दैट उनका रीच जो है मैक्सिमम लोगों पर जाए एंड उनका भी बिजनेस बढ़े. तो इसका जो COD की बात करें, दिस इज़ नॉट 100% COD, 3800 का टैग है इस पर, जिसमें से 500 आपको एडवांस देने पड़ते हैं. ओके, जो आप जब आप URL पे जाएंगे और वहाँ पे आपको 500 पे करना पड़ेगा, और वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे. ठीक है, और हैरी भाई का नंबर
और इंस्टा आईडी और चैनल जो चैनल नेम है यूट्यूब का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन गेट इन टच विथ हिम। 500 का आपको टोकन मनी एडवांस करना पड़ेगा और डिलीवरी के बाद आपको 3300 देना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी चलिए, अभी हमने काफ़ी सारे बातें कर ली है, अभी मैं आपको इसको अनबॉक्स करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ। रैपिंग काफ़ी अच्छा है दोस्तों, पैकेजिंग का आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉक्स तो शायद दूसरा कुछ लग रहा है, बट लेट्स चेक इट आउट। अरे बाप रे, पैकिंग तो बहुत भयंकर है हरी भाई। कहाँ से खोलूं? अरे हुआ, नाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दिस इज द अंडर सीट सबवूफर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इनपुट्स दे कर रखे हैं, यहाँ पे फ्यूज भी है, आप देख सकते हैं ब्रांडिंग एटोम का है। वेट की बात करें तो दिस मस्ट बी अराउंड आई गेस अराउंड 5 kgs लग तो रहा है। एंड वायरिंग देखते हैं, इसमें वायरिंग क्या क्या है। इसमें दिस इज RF वायर, RF आप देख सकते हैं। एंड इसमें फ्यूज वगैरह बाकी सब दे रखे हैं, इट लुक्स नाइस दोस्तों, देख सकते हैं। दिस इज द वायरिंग, इसको हम खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट इज इट। ये हीटिंग के लिए दे रखे हैं जो इंजन में लगेगा। ओके, टू मेनी वायर्स हियर, यहाँ पे फ्यूज भी है, एक्स्ट्रा फ्यूज दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ टैग भी है। वाओ, ट्रूली इम्प्रेसिव, मतलब 3800 रुपीस के टैग में, दिस इज़ वेरी नाइस। तो दोस्तों अभी हम चलिए जाते हैं लिमरा कार जोन, जहाँ पे हम बहुत बार जाके हमने सामान की फिटिंग करवाई है, वहाँ पे जाके हम इसको फिटिंग करवा के आई विल शो यू द फीडबैक ऑफ दिस अंडर सीट सबवूफर्स। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं लिमरा कार जोन, आपको मैं फिर से इस शोरूम के ओनर से मिलाता हूँ। सर जी, मेरे चैनल आपका फिर से स्वागत है। हाय। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सर जी है, इनका एक जिप्सी है और इनोवा है, दोनों को मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किया है, अगर आपने मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन सी दैट वीडियो। तो ये है अकमल भाई, अकमल भाई से हेलो। तो मैंने इनको सौंप दिया है मेरा अमानत, जो सबवूफर है। तो इसका वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इस वायर सबवूफर के साथ ही ये सब वायर मिला था। तो एक्चुअली हमने और एक चीज टेस्ट किया था कि सबवूफर का जो साइज है ये हमारे सीट के नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों, इट इज नॉट गोइंग अंडर द सीट, यहाँ पे ये नहीं घुस रहा है दोस्तों, इट इज एक्चुअली प्रिटी बिग इन साइज, इतना भी छोटा नहीं है। सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल पुट दिस हियर। तो आप देख सकते हैं हमने इसे यहाँ पर फिट कर दिया है, हमने अभी तक वायर की फिटिंग नहीं की है, हम जस्ट इसको प्लेस करके देखा है कि यहाँ पर फिट हो रहा है कि नहीं। तो अभी देखते हैं कि अकमल भाई इसे कैसे फिट करते हैं और फिटिंग प्रोसेस क्या है इसका।
तो दोस्तों हमने फिटिंग कर ली है बेस ट्यूब की, तो अकमल भाई से पूछते हैं कि जो वायरिंग किट जो मिला था क्या वो एनफ था। अकमल भाई फिटिंग में कोई प्रॉब्लम या कुछ? तो नहीं, पूरा परफेक्टली था, वायरिंग वगैरह पूरा हो गया। और जो जो वायर जो मिला हुआ था क्या वो एनफ था कि आपने खुद से भी वायर लगाया? नहीं, इसमें काफी था हाँ, मतलब एडिशनल कुछ लगन जरूरत नहीं लगा, वही वायर हो गया, एनफ हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ये कार है ये सब 4 मीटर है, तो उसमें मैंने ये फर्स्ट रो से मैंने थर्ड रो तक वायर लेकर आया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जैसे अकमल बोल रहे कि इनफैक्ट एक्सेस वायर भी बच गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक्सेस वायर है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं पूरी तरह से बेंगलोर में अंधेरा हो गया है नाउ, इट इज अबाउट 7 PM। सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ इज, यहाँ पे बहुत आवाज है, सो आई डोंट वांट टू डू द साउंड चेक हियर। मैं अपने गैरेज में जाके मैं अभी आपको इसका साउंड चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि ये मैंने सीट के नीचे नहीं लगाया है, ये मैंने जो ये जो थर्ड रो की सीट आप देख रहे हैं, ये थर्ड रो की सीट है, ये थर्ड रो के सीट के पीछे मैंने इसको लगाया था, ये आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली मैं गैरेज में गया था, तो गैरेज में भी काफ़ी अंधेरा था, तो मैं सोचा कि मैं यही कर लूँ। ये रोड भी आप देख, थोड़ा सा नॉइजी ज़रूर है बट वी कैन गेट अ गुड फील ऑफ द म्यूज़िक। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इसके ओरिजिनल पोजीशन पे रख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, फिर मैं आपको इसका फिटिंग दिखाता हूँ कि इसको कैसा फिट किया गया है इस थर्ड रो के पीछे। ये देखिए ये फिट हो गया है थर्ड रो के पीछे, ये फिट हो गया है। अब मैं आपको एक NCS का गाना लगा के आई विल शो यू द साउंड। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ कार के अंदर एंड मैं चलाता हूँ एक NCS का म्यूजिक। लेट्स चेक द साउंड क्वालिटी, काफ़ी नॉइजी है, माफ़ी चाहूँगा बट आई कुडंट गेट अ बेटर वेन्यू देन दिस, सो लेट मी शो यू द साउंड। अभी लेट्स प्ले सम म्यूजिक, लेट्स स्विच दिस ऑन। एंड ये मैंने लोकल लगवाया है, ये अगर आप ब्रांडेड लगवाएंगे तो साउंड और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं ये NCS का गाना मैंने लगा दिया है, अब साउंड सुन सकते हैं। मैं एक बार गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, साउंड बताना चाहूँगा बहुत बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्राइस रेंज पे दिस साउंड इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। बंद करते हैं अभी। सो हैरी भाई को यही एक फीडबैक देना चाहूँगा, हैरी भाई आपका जो प्रोडक्ट है इट इज़ आई विल गिव यू 5 स्टार, एंड क्योंकि काफ़ी साउंड तो अच्छा है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट होता है अगर आप फुल वॉल्यूम पे देंगे बट नॉनदलेस साउंड अगर आप 90% पे चला रहे हो तो साउंड इज़ वेरी गुड, डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। एंड जैसे मैं पहले भी बोल चुका था प्राइस पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट पे 3800 पे आपको इससे ज़्यादा अच्छा वूफर नहीं मिल सकता, अंडर सीट वूफर्स इस प्राइस टैग पे नहीं मिल सकता। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर MPV व्हीकल, जहाँ पे मतलब थर्ड रो के बाद मतलब स्पेस का थोड़ा बहुत लफड़ा रहता है, तो आप वहाँ आराम से ये लगा सकते हैं। सो रिकमेंड तो 100% करूँगा कि आप ज़रूर लीजिए ये वूफर और वूफर का मज़ा लीजिए। तो इंस्टा ID और जितने भी डिटेल्स है हैरी भाई के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन गेट इन टच विथ हिम। सो इसी के साथ आई एंड दिस वीडियो हियर, आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।